नमस्कार, संगीता'स किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और मैं बनाने जा रही हूँ आज फ्रेंकी। तो वेजिटेरियन फ्रेंकी हम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रेंकी अचार बनाने से। हाँ, मेरा मतलब है हम इसको हरी मिर्च को छोटा छोटा बारीक बारीक काटेंगे विनेगर में। तो आप जानते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंकी जब हम इसको विनेगर में भिगा देते हैं, क्योंकि प्रोसेस काफी लंबा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं हरी मिर्च को इस तरह से विनेगर के अंदर तैयार कर देती हूँ। बहुत ही लाजवाब स्वाद आएगा इसका। तो देखिए, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च को डाला और ये है मेरे पास विनेगर और इसको मैं डालूंगी इसके अंदर। बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी हरी मिर्च जब तक हम बाकी अपनी प्रोसेस को करेंगे। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये नमक और इसको मैं रख देती हूँ एक साइड में। तो देखिए, ये हो गया तैयार। और अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास है ये बॉइल्ड पोटैटोस, तो इसको मैं इस तरह से छील के सबसे पहले मैं बनाऊंगी आलू का मसाला। बहुत ही बढ़िया स्वाद देगा ये। मैं आपको दो फ्रेंकी बना के दिखाऊंगी। आप जब ये खाएंगे तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि इतनी स्वादिष्ट रेसिपी कैसे बनी। तो देखिए, ये एक फोक की सहायता से मैं इसको इस तरह से तोड़ लूंगी और पैन को गरम करूंगी। और चलते हैं हम पैन की तरफ आलू को बनाने के लिए। तो ये देखिए, बिल्कुल बारीक बढ़िया ये आलू हो गया तैयार। और अब मैं पैन को गैस पे चढ़ाऊंगी। तो देखिए, मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हल्दी, मिर्च, नमक, सूखा धनिया, अमचूर पाउडर, और फिर मैं डाल दूंगी ये आलू। और इसके अंदर मैं डालूंगी ये थोड़ा सा क्रश्ड गार्लिक। आप इसको काट के भी डाल सकते हैं, बट मेरे को ये क्रश करके अच्छा टेस्ट लगता है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको क्रश करूंगी। अब देखिए, ये गार्लिक हो गया क्रश। तो गार्लिक भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंकी में हम इसको लंबाई के बल दो में बनाएंगे और फिर फिलिंग हमारी बढ़िया हो जाएगी तैयार। अब इसी के अंदर मैं डालूंगी, ये मेरे पास है फ्रेंकी मसाला। मैं इस तरह से फ्रेंकी मसाले को डाल दूंगी। अगर आपके पास मसाला ना हो तो आप खटाई, मिर्च, सारी चीजों को पीस के एक बढ़िया सा चटपटा सा चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जब तक ये फिलिंग हो रही है तैयार, मैंने आग को कर दिया धीरे और मैं यहाँ पर अपने टमाटर को काटूंगी। ये देखिए, ये है एक टमाटर, इसको मैं लंबाई के बल काटूंगी, क्योंकि हमें लेंथ वाइज करना है। तो हमारी सारी प्रोसेसिंग इस तरह से होगी। फिलिंग में बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बहुत ही प्यारा। तो इसके बाद मैं ये खीरे को भी
पीह करूंगी, पीह करूंगी इस तरह से। देखिए तो जब ये पील हो जाएगा पूरा तब मैं इसको लंबाई के बल काट लूंगी। अब ये देखिए आलू हो गए एकदम तैयार, तो मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा धनिया और इसको अब हम बंद कर देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, और फिर इसके आलू के लंबे रोल बनाएंगे फिलिंग के लिए, फ्रेंकी की फिलिंग के लिए। लाजवाब ये तैयार हो गए, बिल्कुल बढ़िया। आप चाहें तो आप यहीं पे इसका रोल इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मैं दो फ्रेंकी बना रही हूँ तो मैं कुछ इस तरह से करके इसको कर दूंगी तैयार। तो चलिए गैस को करते हैं बंद, आलू को होने देते हैं ठंडा और बाकी की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये देखिए मैंने इतना पोर्शन खीरे का काट लिया और फिर इसको भी मैं इसी तरह से लंबा काटूंगी। आप फ्रेंकी के अंदर अपना मन चाहा जो भी आप चाहें आप डाल सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से ये पीसेस करके रख रही हूँ और बस इतना काफी होगा। ये हो गए मेरे टमाटर, और अब हम क्या करते हैं, जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं मैं पनीर को करूंगी ग्रेट। अब देखिए मैं इसके अंदर ये पनीर भी डालूंगी, पनीर की फिलिंग बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंकी में। आप चीज़ भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि हम इसके बाद इसको बेक नहीं करेंगे तो ऐसे में आई प्रेफर कि हमारे पास हो जाए ये पनीर। तो बस इतनी पनीर मैंने कर ली, और अब हम चलते हैं हमारी फ्रेंकी शीट्स की तरफ जो मैंने बना के रखी है। तो ये देखिए मैंने बनाई हैं दो शीट्स, जैसे मैंने आपको टोटिया शीट दिखाई थी वो पूरी मैदा की थी, ये मैंने हेल्दी बनाने के लिए आटा और मैदा इक्वल क्वांटिटी में लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं तवे के ऊपर डालूंगी थोड़ा सा बटर, देखिए, और इसी में मैं डाल दूंगी ये मेरी फ्रेंकी शीट। हम जल्दी से इसको एक बार पलट लेंगे ताकि हमारा बटर जले नहीं। ये देखिए इसी पे मैं दूसरी शीट भी रख लूंगी और इसको हम अच्छे से एक बार फ्राई कर लेंगे। आंच है बिल्कुल धीरे, तो मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज करूंगी और थोड़ा इसको क्रिस्प करूंगी। तो मैं दो फ्रेंकी आपको दिखाऊंगी बना के। अब देखिए मेरी फ्रेंकी शीट हो गई बिल्कुल तैयार मक्खन के अंदर, तो मैं एक शीट को यहाँ रखूंगी और इसके अंदर मैं एक साइड में लगाऊंगी ये सॉस। इतनी बढ़िया ये बनके तैयार होगी, लाजवाब। तो देखिए इसके बाद मैं लगाऊंगी ये धनिए की और पुदीने की चटनी, चॉइस आपकी है। आप इस पे कोई और सॉस लगाना चाहें, मेयोनीज लगाना चाहें, आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, और ओरिजिनली अगर हम देखें तो इसी तरह से होता है, और मैं इस पे स्प्रिंकल कर दूंगी ये फ्रेंकी मसाला। अब इसके बाद मैं आलू की फिलिंग को डालूंगी, ये देखिए आलू की फिलिंग इसके अंदर इस प्रकार से जाएगी। इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे, ये देखिए। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये सिरके का थोड़ा सा और थोड़ी ये हरी मिर्च, ज्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ही स्पाइसी हो जाएगा। और इसके बाद मैं लगाऊंगी
ये टमाटर। बिलीव करिए, इतनी स्वादिष्ट फ्रेंकी आपने पहले नहीं खाई होगी। बहुत तरह से ये चीजें बनती हैं, बट वही है इसकी ड्रेसिंग, आप जितनी बढ़िया करेंगे। अब इसमें क्रंची टेस्ट देने के लिए मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, है ना बढ़िया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पनीर। और अब हम इसको करेंगे रोल। तो देखिए इसको हल्के से हम करेंगे प्रेस और इस तरह से हम इसको करेंगे रोल। आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या स्वादिष्ट रेसिपी बन के हुई है तैयार। वाओ, है ना बढ़िया। तो चलिए अब हम करते हैं सेकंड फ्रेंकी की ड्रेसिंग। तो ये देखिए, ये है दूसरी मेरी फ्रेंकी शीट, ऑल नाइसली डन विथ बटर। और इसमें मैं जेनरसली सॉस लगा रही हूँ इस तरह से। ये जो अंदर की ड्रेसिंग है वो प्योरली ऑप्शनल है, आपके पास जो भी चीज़ हो आप वो लगा सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये चटनी। और चटनी डालने के बाद मैं डालूंगी टमाटर। आप इसके अंदर सैलड लीव्स भी डाल सकते हैं, मेरे पास फिलहाल यही सामान था तो मैंने सोचा इसमें खीरा लगा दूं, बढ़िया क्रंची करूं इसको। और मैं लगाऊंगी इसके अंदर आलू का एक रोल बना के। तो ये देखिए जो आलू मैंने करे थे इस तरह से लंबा करके मैं इसके अंदर सेट कर दूं, ये देखिए। और मैं डाल दूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ती और साथ में थोड़ी सी ये ग्रीन चिलीज विनेगर वाली। और मैं डालूंगी इसके अंदर ये क्रंची प्याज और ये देखिए पनीर। ये सब डालने के बाद हम इसको रोल करेंगे। प्रेस करिए, रोल करिए, थोड़ा सा हल्का सा, जी बिल्कुल बढ़िया, ये देखिए, है ना बढ़िया। तो बस अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे सर्व करेंगे। अब देखिए ये फ्रेंकी हो गई बनके तैयार, आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग कितनी बढ़िया। तो मैं एक तो इसी तरह से सर्व करूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी धनिया पत्ती इस तरह से। और एक फ्रेंकी को मैं इस तरह से डायगोनली काटूंगी। ये देखिए बढ़िया इसमें फिलिंग हो गई तैयार। और ये मैं इस तरह से इसके अंदर रख दूंगी और साथ में होगी ये सॉस और ग्रीन चिलीज। तो देखिए ये हो गई हमारी सर्विंग डिश। आप इस तरह से फ्रेंकी बनाइए और मुझे बताइए आपको ये चटपटी प्यारी सी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव दीज इनोवेटिव टेस्टी यमी रेसिपीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।